तो ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, शरद पवार देखिए अपने घर से निकलते हुए, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके की हलचल हमने देखी उसके बाद ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शरद पवार देखिए अपने घर से निकलते हुए, बीते कल आपने देखा महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके की हलचल हुई, अजीत पवार जिस तरीके से बीजेपी में शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री उनको अनाउंस किया जाता है, अब ऐसे में शरद पवार का अपने घर से निकलना, बैठक करना, बातचीत करना, अपने आप में देखिए ये राजनीतिक हलचल है महाराष्ट्र में इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी हलचल। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम मीडिया के जो कैमरे हैं सबकी नजर इस वक्त शरद पवार पर है कि आगे आने वाले दिनों में शरद पवार क्या करते हैं, क्योंकि शरद पवार ये कह चुके हैं कि पार्टी को मजबूती के साथ एक बार फिर से खड़ा करूंगा, लेकिन ये कितना आसान उनके लिए होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीते कल अजीत पवार अपने 9 विधायकों के साथ हम देखते हैं तस्वीरें सामने आती हैं एनसीपी में 2 फाड़ की तस्वीरें, वो ये भी कहते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में एनसीपी के ही सिंबल पर लड़ूंगा, एनसीपी के ही नाम पर लड़ूंगा, लेकिन उसी बीच शरद पवार का ये कहना कि मैं एक बार फिर से पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करूंगा, कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, तमाम कैमरे इस वक्त शरद पवार की तरफ है, देखना होगा शरद पवार का अगला स्टेप अब क्या होगा, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अजीत पवार जो कि महत्वपूर्ण उनकी उनका हम देखते हैं रोल रहता है महाराष्ट्र की राजनीति में, और शरद पवार जिन्हें चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का, वैसे में किस तरीके से आगे के कदम उनकी तरफ से उठाए जाते हैं ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए। मृत्युंजय तस्वीरें हम देख रहे हैं, शरद पवार निकले हैं, कहां जा रहे हैं, क्या अगला स्टेप उनका होगा, सब पर इसकी निगाहें हैं, बताइए क्या चल रहा है वहां पर। स्थित घर से निकले हुए हैं करार के लिए, 8 बजे का उनका तय समय था करार के लिए निकलने के लिए, और आपको बता दें कि करार में वो यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल पर सबसे पहले जाएंगे, वहां पर यशवंतराव चव्हाण जो उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं अपने राजनीतिक गुरु के मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देंगे, और श्रद्धांजलि देने के बाद वहां से फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और जनसभा को संबोधित करने के बाद सातारा निकलेंगे, सातारा में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और 3:30 बजे कार्यक्रम खत्म होगा, और 3:30 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर सड़क के रास्ते वो मुंबई के लिए रवाना होंगे। तो शरद पवार तय समय के मुताबिक 8 बजे अपने घर से बाहर निकल चुके हैं और फिलहाल वो करार की दिशा में बढ़ रहे हैं, और आपको बता दें कि कार्यकर्ता यहाँ पर सुबह 6 बजे से इकट्ठा थे, वो शरद पवार से मिलना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने बंद गाड़ी से ही अभिवादन स्वीकार किया और करार की दिशा में वो निकल चुके हैं। सबसे पहले वो करार में जाकर यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल पर स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल मृत्युंजय, और तस्वीरें हम देख रहे हैं, हर कोई शरद पवार का एक रिएक्शन चाहता है, बीते कल जो हमने महाराष्ट्र की राजनीति में देखा, काफिला धीरे धीरे तैयार हो रहा है, स्कॉर्ट की गाड़ियां लग गई हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो गाड़ी को घेरे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शरद पवार का काफिला अब घर से निकला है पुणे के और करार की दिशा में निकल रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ से शरद पवार का काफिला जो है वो निकल चुका है और सीधे करार जाएगा, करार में वो यशवंतराव चव्हाण के जो मेमोरियल है वहाँ पर जाके श्रद्धांजलि देंगे, और फिर वहाँ से एक सभा को संबोधित करेंगे, वहाँ से सतारा जाएंगे, सतारा में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और फिर वहाँ से मुंबई के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़ पुणे। तो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है, देखिए राजनीतिक हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, जिस तरीके से मृत्युंजय हमें बता रहे थे कि 2 जनसभाएं आज होंगी और शरद पवार उन 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, अब ऐसे में देखना होगा कि जब शरद पवार जनसभाओं को संबोधित करेंगे उनके साथ और कौन कार्यकर्ता होते हैं, कौन ऐसे विधायक होते हैं जिनकी मौजूदगी शरद पवार के साथ होती है, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर नहीं है। तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं एबीपी न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, हर कोई चाहता है एक बार बात करना, शरद पवार का एक रिएक्शन मिल जाए, जो बीते कल घटनाक्रम घटा महाराष्ट्र की सियासत में उसके बाद शरद पवार इसको लेकर क्या कहते हैं, एक रिएक्शन हर कोई उनका जानना चाहता है, लेकिन शरद पवार ने बंद गाड़ी से ही शीशों के जरिए विंडोज के जरिए अभिवादन स्वीकार किया। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, मृत्युंजय जैसा आपने बताया 2 जनसभाएं आज होंगी, सवाल इसमें खड़े होते हैं कि जब जनसभा को संबोधित करेंगे शरद पवार उनके साथ एनसीपी के कौन से कार्यकर्ता, कौन से विधायकों की मौजूदगी होगी, क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि कौन उनके साथ है, कौन अजीत पवार वाले गुट के साथ है।
बिल्कुल सही कहा, यही सवाल हमने पूछा भी कि कौन किसके साथ है, तो जिस पर शरद पवार गुट का कहना है कि अगले दो दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा कि स्थिति क्या है, पार्टी किसके साथ है, परिवार किसके साथ है। लेकिन आपको बता दें कि सुबह जो पुणे में घर है मोदी बाग का, वहां पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए दो ही लोग नजर आए, एक रोहित पवार जो कि उनके पोते लगते हैं यानी अजीत पवार के भतीजे लगते हैं जी, खुद भी विधायक है रोहित पवार, वो वहां पर मौजूद थे, वो सुबह 6 बजे आए, और दूसरी है वंदना नाम की जो कि वहां पर राज्यसभा की सांसद है। ये दो ही लोग संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग नजर आए, हालांकि जो स्थानीय कार्यकर्ता है पुणे के जो कार्यकर्ता है वो जरूर नजर आए, काफी ज्यादा संख्या में मौजूद थे, और अगर ये समय और रहता, अगर 8 बजे इसके बाद का और समय रहता तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और ज्यादा होती, लेकिन ये कार्यकर्ता सुबह 6 बजे ही पहुंच गए थे और अब शरद पवार से मिलकर अभिवादन करना चाहते थे, उन्हें अपना समर्थन जाहिर करना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने बंद गाड़ी से ही सभी का अभिवादन स्वीकार किया और इशारा किया कि वो करार की दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत सारी जो कार्यकर्ता है वो करार की दिशा में भी निकले हुए हैं। आज कुल मिलाकर 3 कार्यक्रम है, उसमें से पहला कार्यक्रम तो यही है कि फिर से एक तरह से लगता है कि एक मैसेज देने के लिए कि वो फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं इस उम्र में भी, तो वो यशवंत राव। लेकिन मृत्युंजय सवाल ये उठता है, कल भी हमने सुना शरद पवार कहते हैं कि मैं मजबूती के साथ फिर से पार्टी को खड़ा करूंगा, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा इस उम्र में? जैसे आपने उम्र का जिक्र किया, तकरीबन 85 शरद पवार की उम्र होगी, क्या आसान होगा शरद पवार के लिए एक बार फिर से पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करना? जमावड़ा शुरू हो गया है अब तौर पर, ये चुनौती है पार्टी के लिए, बहुत बड़ा संकट है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि शरद पवार भारत की राजनीति में एक चाणक्य में उनकी गिनती होती है और उनका अनुभव, उनके अनुभव को कोई बीट नहीं कर सकता, और किस प्रकार से वो राजनीति में पासे फेंकते हैं और कैसे सियासी करवट लेती है राजनीति, ये हम सब देख चुके हैं, खास करके इस कार्यकाल में 2019 के चुनाव में हम सब ने देखा कि किस प्रकार से सुबह 6 बजे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हैं, फिर अचानक से शिवसेना कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन हो जाता है, तो ये तमाम राजनीतिक समीकरण हमने देखे हुए हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए शरद पवार को जो नेता छोड़कर भी गए हैं वो भी मानते हैं कि शरद पवार ही हमारे नेता हैं। अब बात यह है कि आगे की रणनीति क्या, आगे की भविष्य क्या, पार्टी का आगे क्या होगा, परिवार में फूट है, पार्टी में फूट है, इससे कैसे निपटेंगे, ये निश्चित तौर पर शरद पवार के सामने चुनौती तो और है। बिल्कुल मृत्युंजय, एक तस्वीर जो हम देखते हैं, अब एनसीपी में दो फाड़ नजर आते हैं, एक कहा जा सकता है कि अजीत पवार वाला गुट, एक कहा जा सकता है शरद पवार वाला गुट। अब देखना यह भी होगा कि जो शरद पवार वाला गुट है इसका जो फ्यूचर होगा या आगे इसे अब कौन लेकर के जाएगा, कौन सा वो चेहरा सामने हो सकता है, क्या रोहित पवार जिनका आप जिक्र कर रहे थे पर पोते हैं शरद पवार के, क्या वो चेहरा हो सकता है, या उनकी बेटी, कौन वो चेहरा होगा, ये तमाम तरह के सवाल है मृत्युंजय। निश्चित तौर पर देखिए सवाल बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया कि शरद पवार के बाद आगे क्या, लेकिन ये भी बात है कि एक्सेप्टेंस अगर आज के समय में नेतृत्व किसी और को दिया जाता है जैसे सुप्रिया सुले को या किसी अन्य को, तो वहां पर एक्सेप्टेंस की बात आती है कि तब तो ये हो जाएगा कि अजीत पवार ही मजबूत नेता है, पक्ष उसी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शरद पवार खुद मैदान में टिके रहेंगे, खुद अडिग रहेंगे, खुद ही मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक मैं हूँ तो मेरे नीचे तमाम नेता आएंगे, यहाँ तक कि अजीत पवार भी मेरी एक बार सुन सकते हैं जी। एक बार जब दूसरी पीढ़ी को ये बैटन पास हो जाएगा, चाहे वो सुप्रिया सुले हो या तीसरी पीढ़ी में रोहित पवार हो, तब ये कठिन हो जाएगा, खास करके अन्य विधायकों को एक्सेप्ट करना कि ये हमारे नेता है। ये भी देखने वाली बात है कि अजीत पवार का हमेशा से एक्सेप्टेंस रहा है, हर कोई एनसीपी में मानता है कि शरद पवार के बाद में कोई नेता है जो सीएम चेहरा है वो है अजीत पवार, या फिर जन नेता है तो वो है अजीत पवार, तो ये पार्टी में मानने के लिए तैयार है। लेकिन जैसा आपने महत्वपूर्ण बात कही कि आगे क्या शरद पवार के लिए, तो फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि शरद पवार मोर्चा छोड़ेंगे, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि राज्य की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में वो किस प्रकार से विपक्ष के चेहरे के रूप में उभरे हैं, और विपक्ष के जो नेताओं की बैठक हो रही है उसमें किस प्रकार से लीड कर रहे हैं, पिछले ही बैठक में जो पटना में हुई थी उन्होंने किस प्रकार से भाजपा के खिलाफ हुंकार भरी थी और विपक्षी एकता की बात की थी। पहली बार ये ऐसा हुआ है कि इतने बड़े विपक्ष की बैठक में उन्होंने अपना नाम जो है वो प्रधानमंत्री या ऐसे पदों के लिए प्रस्तावित नहीं किया, बल्कि सिर्फ विपक्षी एकता की बात की और भाजपा को हराने की योजना पर बात की, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के चेहरे के तौर पर तो है, और इस स्थिति में जब पार्टी में ही दो फूट नजर आती है तो यहाँ पर शरद पवार बिल्कुल मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, वो खुद बिल्कुल। लेकिन मृत्युंजय जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी, हम देखते हैं कि शुक्रवार को विपक्ष के नेता के तौर पर अजीत पवार इस्तीफा देते हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और हम सुन भी रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या अंदर खाने शरद पवार को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं लगी? देखिए ये कहना गलत होगा कि शरद पवार को बिल्कुल भनक नहीं थी, न केवल शरद पवार बल्कि एनसीपी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से भनक थी कि ऐसा होने वाला है, हालांकि इतने बड़े स्तर पर होगा
ये नहीं पता था, लोग ये मान रहे थे कि अजीत पवार और उनके बेटे जो पार्थ पवार हैं वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं, लेकिन पार्टी तो सर पूरे पार्टी के विधायक और सांसदों को लेकर निकल जाएंगे, शरद पवार और कुछ अकेले रह जाए जी। और मृत्युंजय जो बार बार दावा कर रहे हैं अजीत पवार, ये कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा जो विधायक हैं या फिर 40 विधायक जो हैं वो उनके साथ हैं, अब इस दावे में कितना दम है, इसको लेकर कितना इंतजार और करना होगा, आज के दिन ये पूरी पिक्चर साफ हो सकती है क्या, कितने विधायक शरद पवार के साथ, कितने अजीत पवार के साथ? देखिए दो चीजें हैं, एक तो आज 11 बजे अजीत पवार एक बैठक कर रहे हैं, जो मंत्री जिन मंत्रियों ने कल शपथ ली उनके साथ बैठक कर रहे हैं, ये 9 लोग तो अजीत पवार के साथ हैं, ये तो स्पष्ट हो गया है क्योंकि उन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं। अब एनसीपी के कौन से विधायक सांसद किसके साथ हैं ये अगले 2 दिनों में स्पष्ट होगा, क्योंकि एक बार जब शरद पवार मुंबई जाएंगे और मुंबई जाने के बाद पार्टी से बैठक बुलाएंगे वहां पर पता चलेगा कि कितने विधायक आए, कितने विधायक अनुपस्थित रहे, कितने विधायक नहीं आए, तब पता चलेगा कि आंकड़ा कहाँ पहुंचता है, तब पता चलेगा कि जो 53 का आंकड़ा विधायकों का है उसमें से कितने विधायक शरद पवार से मिलने आते हैं, कितने विधायक नहीं आते हैं, तब जाकर स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, देखिए आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन में आने वाले 2 दिन में पूरी तस्वीर जो है वो साफ होगी, कितने सांसद हैं अजीत पवार के साथ, कितने विधायक हैं अजीत पवार के साथ और कितने विधायक और सांसद हैं शरद पवार के साथ, ये तस्वीर साफ होने वाली है आने वाले 2 दिनों। कार्यकर्ता कंफ्यूज तो नहीं, तो उनका मुंह नहीं रोक सकते, तो पकड़ सकते, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। आप क्या मानते हैं शरद पवार बड़े साहब का आशीर्वाद तो नहीं है ये जो कुछ हुआ, एक बार ये मानता है? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, क्या है किसको जाने का है और किसको रहने का है वो सबका अलग अलग ये रहता है, और साहब जित साहब पुणे में पुणे शहर का तो बोलेंगे मैं, तो पुणे शहर का पहले से ही पवार साहब के पवार साहब को मानने वाला बहुत सारा जो जन समुदाय है, तो साहब के लिए ऐसा कुछ नहीं है। कल साहब ने देखा आपने कि वो एकदम रिलैक्स साहब थे। हाँ ये रिलैक्स थे, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि जैसे 2019 में अंदर अंदर से मन था कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शपथ विधि ले लें, वो ऐसा वापस तो नहीं हुआ? नहीं नहीं ऐसा कुछ पवार साहब को ये नया नहीं है, पवार साहब बहुत पुराने, उनको ये सब मालूम है ऐसा होने वाला है ये करेंगे, और उनको मालूम भी नहीं था कि ऐसा करेंगे करके, उनको बोलना चाहिए था, कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए था, मगर ये अजीत दादा ने किया है और बहुत रॉन्ग किया है, हम उनके साथ नहीं है। अजीत दादा ने किया साथ ही साथ पुराने पुराने सरकारी के साथ जिन्होंने पार्टी बनाई वो तक साथ छोड़ के चले गए। अब उनकी भाजपा की जो रणनीति है ईडी दिखाओ और जेल में डालने के लिए वो तैयार है, तो वो जेल में नहीं जाने के लिए इसलिए वो उनके साथ चले गए। ईडी के डर से आप गए? हाँ ईडी सबसे बड़ा डर आज भारत देश में ईडी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनकी आज ईडी के वजह से ही वो सक्सेस में है, और हमारे पास शरद पवार नाम की फैक्ट्री है जो नेता बनाते हैं और हम शरद पवार के साथ हैं। और मोदी साहब शरद पवार के साथ हैं किसी भी स्थिति में, यह कहना है कार्यकर्ताओं का। और देखिए कार्यकर्ता जो है वो पुणे स्थित शरद पवार के निवास के घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं और निगाहें हैं दरवाजे की तरफ, क्योंकि वहां से शरद पवार निकलेंगे और वहां से करार की दिशा में रवाना होंगे और आज दिन भर अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और फिर दोपहर 3:30 बजे के बाद मुंबई की दिशा में सड़क के रास्ते रवाना होंगे। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज पुणे। तो मृत्युंजय की रिपोर्ट आपने वहां पर देखी, किस तरीके से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं वो भी लगातार आपको हम सुनवा रहे हैं। देखिए अजीत पवार गुट अब लगातार ये दावा कर रहा है, अजीत पवार ये दावा कर रहे हैं उनके साथ जितने भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए कल चेहरे आपने देखे, उन्होंने ये दावा किया कि एनसीपी पार्टी भी उनके साथ है, आने वाले लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो वो पार्टी के सिंबल पर चुनाव वहीं से लड़ेंगे। लेकिन अब देखिए शरद पवार पार्टी को दोबारा से खड़ा करने के लिए वो ये कहते हुए कल भी सुनाई दिए, उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश करूंगा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को फिर से खड़ा किया जाएगा। और आज तस्वीरें सुबह से ही आनी शुरू हो गई हैं, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाचा का शक्ति प्रदर्शन, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, और आज भतीजे की बड़ी बैठक होने वाली है, इस बैठक से क्या निकल करके बाहर आएगा, क्या तस्वीर यहां से सामने आएगी उस पर भी लगातार नजर है, और मुंबई में पोस्टरबाजी का दौर भी किस तरीके से चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं, बड़ा सियासी भूचाल महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।